नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2015 डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका 2 फरवरी 2016 को हुआ था। आज की क्लास में हम मैथ का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 547.527 अपॉन 0.0082 का मान x है तो 547.527 अपॉन 82 का मान क्या होगा। तो सिंपल है कि इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है 547.527 अपॉन में हमें क्या दे रखा है 82। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें क्या दे रखी है, x दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए इन दोनों वैल्यूज में, ठीक है। अरे ये और था इसमें 0.00, ये हमें दोनों में पॉइंट नहीं चाहिए। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे जीरो बढ़ेंगे। तो देखो नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। तो देखो यही यही कर देते हम लोग, 1 2 3 4 जीरो आएंगे। और ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जीरो बढ़ जाते उतने, ठीक है। तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। अब 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 547.527 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 82, ठीक है। और ऊपर मल्टीपल में क्या है, हमारे पास 10। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए 547.527 की वैल्यू चाहिए अपॉन में 82, इसका मान चाहिए। तो जब इसका मान चाहिए तो 10 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और आप x के नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन 10। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। अब देखिए संपूरक कोण कितना होता है, 180 में से लेस करते हैं। तो वो कोण की वैल्यू हमने क्या मान ली, हमने अपनी तरफ से मान लिया एक्स ले लिया, ठीक है। तो संपूरक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस का एक्स करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, उसका ही कोटि पूरक निकालना है। तो कोटि पूरक कितना होता है, 90 माइनस एक्स, ठीक है। उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो इसको हम 3 टाइम्स करेंगे तब ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो गया है। 180 माइनस का एक्स इक्वल टू, देखो 3 का मल्टीपल 90 से होगा, 9 * 27 270 आ जाएगा माइनस का, और 3x एक तरफ ले लेंगे, एक्स को और वैल्यूज को एक तरफ ले लेंगे। तो माइनस का 3x इक्वल टू 270 और माइनस का 180। 270 में से 180 लेस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 90, और सॉरी हाँ ये 3x जो आएगा ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल किधर आएगा तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो 3x प्लस का है और माइनस का x माइनस का है, ठीक है। तो इसमें से इसे लेस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो बस x की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 का डिवाइड 90 में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो वो एंगल कितने डिग्री का था, 45 डिग्री का था, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, तो पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले एक छोटा सा पार्क बना लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए हम किस तरीके से पार्क बनाएंगे, इस तरीके से एक पार्क था, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई दे रखी थी ये तो थी 45 और ये थी आपकी कितनी, 30 थी। अब इसके बाहर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ठीक है। अंदाजे से हमने एक चौड़ा रास्ता समझने के लिए आपके लिए 2.5 मीटर का बना दिया। ये कितने मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा है हर जगह से, हर जगह पर ये कितने मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा है। तो चारों कोनों पर 2.5 मीटर चौड़ा है ये रास्ता। अब सिंपल है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना हमें, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का एरिया लेस कर देंगे, बस सिंपल है। तो बचा क्या रह जाएगा, हमारे रास्ते का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखिए तो इसका फॉर्मूला चाहे तो लिख लीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत
क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल इंटू बी होता है। छोटे वाले का भी वही होगा, एल इंटू बी होगा, पर छोटे वाले की ली जाएगी तो एल इंटू बी होगा। अब देखो छोटे वाले की तो हमें पता है कितनी है, 45 और 30 दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाहरी तो एरिया बना हुआ है, तो इसका तो एरिया हो जाएगा 45 गुणा 30 हो जाएगा, छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। अब बड़े वाले का जो आयत का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, देखो यहाँ समझिए, यहाँ पे तो जैसे कि ये क्या है, ये 45 है, यहाँ पर ये क्या है आपकी, ये 45 है, तो 45 में इधर देखो ये भी ढाई है और ये भी ढाई है, तो दोनों तरफ ढाई ढाई जुड़ेगा, ठीक है, तो ढाई और ढाई मिलकर हो गया 5, तो 45 में 5 जुड़ जाएगा तो बाहर वाले की लंबाई तो हो जाएगी 50, बात समझ में आ रही है, डबल जुड़ जाता है, ठीक है, क्यों जुड़ रहा है वो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, दोनों तरफ एरिया, दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई जुड़ रही है, मतलब दोनों तरफ हमारा रास्ता है इसलिए जुड़ता है, वो डबल जुड़ता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो आपकी क्या नाम है चौड़ाई है जो 30 थी, तो वो 30 की जगह कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी बाहर वाले की, तो यहाँ पर हो गई 35, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। तो लंबाई तो हमें लेनी है 50 और आपकी चौड़ाई लेनी है हमें कितनी, 35, ठीक है, तो 35, ठीक है, तो इसमें से इसे हम लेस कर देंगे, दोनों का एरिया हमारा आपस में निकल जाएगा, ठीक है, लेस करके निकल जाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो हम 50 का मल्टीपल 35 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1750, ठीक है, माइनस का 45 का मल्टीपल 30 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1350, ठीक है। अब क्या है, इसमें से हम इसे लेस कर देंगे, तो इसमें से हम इसे लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 400 मीटर स्क्वायर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3 और 4 का अनुपात दे रखा है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, कोणों के मान बताने, ठीक है, तो सिंपल है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, टोटल योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे कि 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4 कितना हो गया, देखो 2 + 3 + 4 ये अनुपात में दे रखे हैं, इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180, डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स लेने की जरूरत नहीं है, प्लस वाले में हमेशा, मल्टीपल वाले में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, मल्टीपल वाले, तो 4 और 3 7 8 9, तो 9 टोटल वैल्यू दे रखी है, और 9 की टोटल वैल्यू कितनी है, 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 2 = 18 = 20 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अब देखो त्रिभुज के कौन कौन से अनुपात में थे, 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात, 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 8 = 80, तो 40 80, तो 40 60 और 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 40 60 80, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम मतलब मासा दे रखा है 13 और लघुत्तम दे रखा है 1989, ठीक है, 1989, यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ चुका है, सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या होता है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीपल बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीपल बाय SCF, ये फॉर्मूला कई बार लगेगा, SCF, ठीक है। अब देखिए जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए और जो नहीं है उसको हम निकाल लेंगे, तो पहली संख्या इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें कितनी, 117, दूसरी हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एलसीएम हमें दे रखा है 1989 और हमें SCF दे रखा है हमारा कितना, 13 दे रखा है, बस सिंपल है, अब कर देंगे तो कैसे करेंगे, तो 13 × 117 9 बार कट गया, 9 का डिवाइड इसमें कर देंगे, तो देखो 9 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 221 आ जाएगी, ठीक है, तो सेकंड नंबर जो होगा वो 221 होगा, तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन में दे रखा है आंकड़े 25, 15, 23, 40, 27, 25 और 23, 42 का परिसर क्या होगा, तो परिसर निकालने के लिए हम सिंपल है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आप, तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है 15, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या दिख रही है हमें 42, 42 से बड़ी कोई नहीं है, अब बस सिंपल है कि हम क्या करेंगे कि 42 में से 15 को लेस कर देंगे, ध्यान दे लेना कि इन दोनों में कोई भी मतलब सबसे बड़ी लेनी हो सबसे छोटी लेनी हो उनका हमें डिफरेंस कर देना है, बस काट दीजिए, तो डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा,
ये वैल्यू निकल गई, तो 42 में से 15 को लेस करना है। तो देखो यहाँ पे 12 है, तो 12 में से मतलब 2 है, 2 में से 5 को लेस करने के लिए हम क्या करें, यहां से लेंगे, तो ये यहां से लेंगे, तो ये हो गया 12। 12 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, 12 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। यहाँ पे कितना रहेगा, 3, 3 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा, 2। तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज राइट, 27 इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन में, परिसरवाने में सबसे बड़े में से सबसे छोटे को लेस कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये समझ में आ गया, वो बड़े में से छोटे को लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर की माप का एक घनावकार गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनावकार बक्से रखे जा सकते हैं, यदि बक्से का आयतन, आयतन दे रखा है हमें इतना, ठीक है, 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना है कि हमें जैसे किसी कमरे के अंदर बॉक्स रखने हैं या किसी भी चीज के अंदर बॉक्स रखने हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में हम छोटे वाले का आयतन का डिवाइड कर देते हैं बस, और उससे हमारे बक्सों की संख्या निकल के आ जाती है, तो आयतन दे देते हैं। ठीक है, तो बक्सों की संख्या बराबर बक से की संख्या, बक्सों की संख्या बराबर कितना होता, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। ठीक है, तो बड़े के आयतन में से हम छोटे के आयतन को छोटे के आयतन से डिवाइड कर देते हैं। देखो बड़े का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बॉक्स का, तो बड़ा घनाकार हमारा गोदाम कितना है, 40, 60 गुणा 40, इसको रेज कर देते हैं, 40 कर देते हैं यहाँ पे, 60 गुणा 40 गुणा 30, ये बड़े का आयतन था। और छोटे का आयतन हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.8 मीटर क्यूब, ये आयतन ही दे रखा है, इसकी एक बुझा नहीं दे रही, पूरा आयतन दे रखा है। ठीक है, अब बस हम डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, अब बस मल्टीपल करना है हमें, 60 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल और 300 का मल्टीपल। तो देखो हम यहाँ पे कर देते तो 6 पंजे 30, तो 300 हो गया। ठीक है, और यहाँ 300, तो 300 गुणा 300 कितना, 3 3 9 आ जाएगा, 2 0 और 2 0, तो 90,000 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ डिजिट लिखी नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इक्वल टू दे रखा है a + b √3, तो a और b के मान हमें पता करने हैं, a और b की वैल्यू पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास, इस क्वेश्चन को पलट के मैं लिख देता हूँ, थोड़ा समझना, हमारे पास क्वेश्चन है a + b √3 वैल्यू दे रखी है। अब क्या है, √3 - 1 अपॉन में हमारे क्या पास क्या है, √3 + 1, तो हम क्या है, इस वाले पोर्शन को नहीं, इस वाले इधर वाले पोर्शन को पहले अलग सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम तुलना कर देंगे, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए संयुग्मी का गुणा करेंगे। देखो तो मैं यहाँ कर देता हूँ √3 - 1 और इधर है हमारे पास √3 + 1। अब इसमें संयुग्मी क्या होते हैं, कंजुगेट, कंजुगेट का मल्टीपल कर देंगे ऊपर नीचे, तो कंजुगेट में साइन चेंज होकर के हम मल्टीपल कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 - 1 का मल्टीपल कर देंगे और √3 - 1। इससे फायदा क्या होता है कि नीचे क्या हो जाता है, a + b और a - b, मतलब कि a² - b² मिल जाता है हमें। ठीक है, देखो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, a + b हो गई और क्या है, a - b हो गई, तो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा हमें a + b² मिल जाएगा। ठीक है, a² - b² मिल जाएगा। तो देखो a² कितना हो जाएगा, 3, और b² कितना हो जाएगा, -b² b² कितना हो जाएगा, 1, तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 - 1 = 2 आ जाएगा। ऊपर क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है कि ये a + b a - b a - b, तो क्या हो गया, a - b² मिल गया हमें, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a² कितना हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर हमारा √3 है, तो √3² कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, a² + b² ठीक है, माइनस का 2ab, तो 2.a की वैल्यू कितनी है, √3 है, और b कितना होता है हमारे पास, कितना होता है, 1 होता है, .1, तो 1 का मल्टीपल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए इसको मैं यहाँ फिर से और सॉल्व करता हूँ, और आगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 - 2√3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनमें से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - √3 और अपॉन में क्या रह गया, 2,
टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, टू माइनस का रूट थ्री, टू माइनस का रूट थ्री है। अब देखिए टू माइनस का रूट थ्री, और ये हमारे किसके इक्वेलेंट है, ए प्लस बी रूट थ्री के इक्वेलेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ए की वैल्यू तो कितनी हो जाती है, टू हो जाती है, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, टू, और बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, बी की वैल्यू यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वन लिखा हुआ है, क्योंकि किसी का मल्टीपल नहीं हो रहा तो वन का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का वन, तो ए बराबर हो जाएगा टू और बी बराबर हो जाएगा माइनस का वन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, इनमें से कौन सी विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है, अब उसे क्या लिखना था, 5050, तो देखो 5050 कैसे लिखनी, 5000 और 50 ऐसी तो लिखेंगे भाई 5050, पर उसने क्या लिख दिया, 550 लिख दिया, तो इसका अर्थ क्या है, तो वो क्या नहीं जानता, ये क्या प्रॉब्लम है उसकी। ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है उसे, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। देखो इसमें क्या है, स्थानीय मान मतलब किस नंबर पर, किस प्लेस वैल्यू पर कौन सी संख्या आएगी, किस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो उसे ज्ञान नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो बार बार लाते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे परिवार को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार बड़ा होगा, और हमारे परिवार को बड़ा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो इससे क्या है आपको आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्या है 20 सेंटीमीटर भुजा, क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे भुजा कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सिंपल है रूट 3/4 इंटू भुजा कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 20, ठीक है। अब क्या 4 से काट दीजिए, तो 4 × 5 = 20, 5 × 2 = 10, तो क्या आ गया 100√3 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 100√3, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखो वृत्त की परिधि है और यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करता है, तो देखो वृत्त की परिधि जो होती है उसको समझिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr, और अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है πr² अब देखो समझने वाली बात क्या है कि इसमें देखो परिधि वाले फॉर्मूले में 2 फिक्स रहेगा, पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी, यहाँ पे आर चेंज हो सकता है, कोई भी वृत्त हो उसके लिए, हरेक के लिए आर हमारी क्या होगी चेंज होगी। यहाँ पर बात करें क्षेत्रफल वाले में तो पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी, पर जो आर रहेगा वो हर वृत्त के लिए अलग अलग रहेगा। पर देखो गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर परिधि वाले में केवल एक ही आर है और यहाँ पर क्षेत्रफल वाले में आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता पड़ी कि इस क्वेश्चन में हम देखो परिधि की वैल्यू में इस वाले फॉर्मूले से हम अगर परिधि की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू, परिधि से आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी एक निकल गई, पर क्षेत्रफल में क्या हो जाता है वो स्क्वायर में चली जाती है। तो यहाँ पे जो भी अनुपात दे रखा है उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो वैल्यू क्या दे रखी है 3 और अनुपात में दे रखी है 1, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर में होता है आर, तो 3 × 3 = 9 और 1 × 1 = 1, तो इसका अनुपात आ जाएगा 9/1 हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अगर यही बात है हमारी जैसे कि आयतन में चली जाती, ठीक है, आयतन में चली जाती तो आयतन में क्यूब होता है, तो वहां पर हम 3 टाइम्स करते, 3 × 3 × 3 करते, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयतन वाले, वैसे वृत्त वाले में तो आयतन की बात आएगी नहीं, हाँ अगर ये गोला वाला क्वेश्चन होता तो वहां पे आयतन की बात आ सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5:4 दे रखा है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां क्या होंगी, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते कैसे करेंगे इसे। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, तो देखो L
एल बी और एच, तो एल बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6x, ये हो जाएगी हमारे पास 5x, और ये हो जाएगी हमारे पास 4x, ठीक है। अब देखो संपूर्ण पक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पक्ष का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पक्ष का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एल बी प्लस एच एल प्लस, नहीं टू बी, टू बी और बी एल बी एच, ठीक है, बी एच और एच एल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठ का। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5328 दे रखी है, इसमें हम पुट कर देंगे एल बी इन सब की वैल्यू, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी है 6x, देखो हम क्या करेंगे पहली बार में इन दोनों का मल्टीपल होगा 6x और 5x, तो 6 × 5 = 30, तो 30 स्क्वायर, 30x² प्लस, अब दूसरी बार में इन दोनों का मल्टीपल होगा 5 × 20, तो ये हो जाएगी 20x² प्लस, अब इसमें लास्ट वाले में एच एल का मल्टीपल होगा इन दोनों का, वो तो 4 × 6 = 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24x², ठीक है। अब देखो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 और 20 50, 50 और 20 60 70, और 4 74, तो ये वैल्यू हो गई 74x², ठीक है, कितनी हो गई 74x², ये इक्विवेलेंट किसके दे रखा है क्वेश्चन में, 5328 के दे रखा है, ठीक है। अब बस 74 से इसमें डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x² की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 74 × 2, 2 और रह गया, ठीक, × 2 था ना बाहर, तो 2 और रह गया, तो 2 74 × 2, तो इसका डिवाइड हम कर देंगे, तो x² बराबर हो जाएगा 5328 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 74, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 36 निकल के आएगा, तो x² बराबर 36, तो x बराबर हमारे पास क्या जाएगा 6 आ जाएगा बस। अब 6x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारी पास निकल के आ जाएंगे। देखो मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैंने रेड कलर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारी जो लंबाई हो जाएगी 6 और x की वैल्यू कितनी 6, तो 6 × 36 हो जाएगी, तो ये तो हो गई 36, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 × 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30, इसी तरह से 4 × 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां हो जाएंगी 36 30 और 24, तो 36 30 24, तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 14 क्वेश्चन है, 0.125 की पावर दे रखी है 2/3, तो का मान क्या होगा, तो देख सिंपल है 0.125 की पावर कितनी दे रखी है हमें इस क्वेश्चन में, 2/3 दे रखी है। अब 0.125 को अगर हम देखें 125 वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू 5 × 5 × 5, मतलब 5 × 5 × 5, मतलब 5 × 5 × 5 कर दो तो 125 आता है, ठीक है। तो हम क्या इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 0.5 की पावर 3, ये इसके इक्विवेलेंट है, और बाहर पावर दे रखी है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 0.5 की पावर 2 दे रहा बचा रह गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 करें तो 5 × 25, और दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। मतलब क्या होता है 125 किसके बराबर है, 5 × 5 × 5 के बराबर होता है, ठीक है। अब बात क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या थी 0.125, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 × 0.5 × 0.5, ठीक है, अब आप अच्छे समझ गए होंगे, तो इसलिए हमने 0.5 की पावर 3 यहाँ पर ले लिया था, इस जगह पर 3 ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, तो उस समय पर लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है, ये पूछा गया। तो देखिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है लाभ, ठीक है। तभी लाभ होगा, तो लाभ क्रय, जैसे हमने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, हमने 150 की बेची, तो लाभ कितने का हो गया, 50 का हो गया, इस तरह से होता है। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य को डबल कर दिया, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चीज क्या है, पर हमने विक्रय मूल्य हमने 100 ले लिया, 100 शुरू करते हैं,
विक्रय मूल्य हमारा 100, तो विक्रय मूल्य को डबल कर दें, तो पहले 100 था, अब हमने कर दिया 200, तो वो कह रहा लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो पहले हमें लाभ जो मिल रहा था वो 1 मिल रहा था, ठीक है, कितना मिला था? 1 मिला, तो अब हमें मिल रहा है उसका 3 गुना, तो अब हमें लाभ कितना मिला? 3 मिल रहा है। अब जरा समझने वाली बात क्या है कि हमें 1 गुना लाभ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो थी, वो क्रय मूल्य था, वो 50 रुपये था। समझना बात को, 50 रुपये की चीज खरीद के 100 रुपये में बेची जा रही, तभी तो हमें लाभ कितने का मिला? 1 का मिला, मतलब कि हमें कितने का लाभ मिल रहा है? 50 रुपये का लाभ मिल रहा है। समझिए बात को, 1 गुना लाभ मिला ना, 1 गुना, ठीक है, मतलब जितने की वैल्यू थी उतने ही कहीं हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 1 गुना लाभ मिला। तो 150 की वैल्यू खरीद के 100 की बेची, तो 50 रुपये का हमें लाभ हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 का हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। तो ये क्रय मूल्य कितना रहा? 50 ही रहा, तो देखो 150 फिट हो रहा है, ठीक है, 50 की खरीद के 200 बेची, तभी तो 150 का लाभ हो रहा है। अब देखिए वो पूरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, पहले वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो 50 की खरीद के और 100 की बेच दी, तो हमें लाभ कितना हो रहा है? 50 का हो रहा है। कितने हो रहा है? 50 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 50 पे हो रहा है, मल्टीपल बाय 100। पहले वाला पूछा जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, अभी का नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो 50 से 50 कटेगा, तो हमारा कितना आ गया? 100% वैल्यू आ गई। कितने परसेंट लाभ हो रहा है हमें? 100% का लाभ हो रहा है। तो बी ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? संलग्न चित्र में कोण ए का मान हमें निकालना है। ये डायग्राम दे रखा है हमें, ऐसे में ए का मान निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी थी इस क्वेश्चन में हमें, 108 दे रखी थी ये वाला एंगल। कोण ओ, कोण हमें कितना दे रखा था? 108 डिग्री दे रखा था, 108 डिग्री दे रखा था। अब देखिए हम किस में बात कर रहे हैं? हम ट्राइंगल ट्राइंगल ओ बी सी इसमें बात करेंगे पहले। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो त्रिभुज बनना है, इसमें त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो इसमें सभी कोण कौन कौन से थे? एक तो एक एक्स है, फिर दूसरा क्या है? वाई है, और तीसरा क्या है? 108 है। तो यहाँ से हमें एक्स वाई की टोटल वैल्यू निकल गया है, इन तीनों की मिला के कितनी वैल्यू होगी? 180 होगी। तो एक्स प्लस वाई इक्व टू 180 माइनस का कितना कर देंगे हम? 108, ठीक है। इस 180 में से 108 को लेस करेंगे, तो हमारे पास कितना निकल गया? 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 72 हो जाएगी। यहाँ से हमें x y की वैल्यू मिल गई। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC, इसमें बात करेंगे। तो हमें पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो A प्लस B प्लस C, इन तीनों का मान हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 180। अब देखिए ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए की जगह पे तो आप ए पुट कर दीजिए। अब देखिए बी बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू एक्स और एक्स है, तो 2x हो गई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2x, तो 2x रख दीजिए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2y है, तो 2y रख दीजिए, ठीक है। और टोटल कितनी हो गई? 180। अब देखिए ए तो ए ही रहेगा, इन दोनों में से दोनों में 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा कॉमन, और एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? हमने निकाली थी अभी 72, तो 72 मल्टीपल बाई 2, इसका डबल करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू 180, और हमारा a तो चला आ ही रहा है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीपल इससे करेंगे, तो ये 2 2 4 और 7 2 14, तो 144 वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 180 के बराबर है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 में से 144 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या इतना निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन में से? इसमें से लेस करेंगे तो 6 और ये 3, तो 36 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। दोबारा से देख लेना, नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझ लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का अगला? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो एक समझिए सर्कल बना देते हैं हम, सर्कल से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो ये सर्कल हो गया, अब ये इसका सेंटर हो गया। अब वो क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और जीवा वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से है, ठीक है। तो यहां से ये वाली दूरी कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जीवा की लंबाई क्या होगी? देखो पाइथागोरस प्रमेय बन गई, ठीक है, क्या बन गई हमारी? पाइथागोरस प्रमेय बन गई। अब देखिए कैसे बन गई है, ये ट्राइंगल बन गया है, तो हम जैसे ये 10 है ये 6 है, तो ये वाली भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय 10 का स्क्वायर
बराबर 6 का स्क्वायर, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ, इस आधी निकलेगी, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ तो प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो 100 में से मुझे 36 को लेस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू तो 8 आई, आधी आई, 8 और 8 यहाँ भी 8 होगी, तो 8 और 8 मिला के कितना होगा 16, तो जीवा कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 8 प्लस 8 बराबर 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार घूम घूम के आता रहता है, कभी यहाँ पे ये वाली दूरी पूछ लेता है, ठीक है, ये वाली पूरी जीवा दे देगा, पूरी जीवा अगर 16 दे देगा तो उसमें यहाँ पर आपको हाफ रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी, उस कंडीशन में ये 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है, जो निम्नवत है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151 और 132। लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी, तो लड़कियों की आपसे क्या पूछ रहा है, माध्य ऊंचाई पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल है, इन सभी को जोड़ करके हम जो है 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 लड़कियों की ये ऊंचाई है, तो हम सभी को ऐड कर लेंगे, तो इन सभी लंबाइयों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1421, कितना निकल गया 1421, इसमें हमें 10 से डिवाइड करना, तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 142 पॉइंट आ जाएगा, एक अंक के बाद 0.1, ठीक है, तो 142.1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोई धन साधारण दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 8 साल में डबल हो रहा है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है बच्चे, क्या नाम है, आप फॉर्मूले में ना जाइए, आप सिंपल देखिए। देखो होता क्या है, जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता है तो मूलधन तो सेम रहेगा, ठीक है, और हर साल जो ब्याज मिलने वो भी सेम रहेगी, जैसे हमारे 100 रुपए, हम 100 रुपए में हमारी जो है ब्याज निकल के आ रही है, एक एक साल की 10 रुपए निकल के आ रही है, तो दूसरे साल भी 10 ही मिलेगी, तीसरी साल भी 10 ही मिलेगी, मतलब सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में डबल हो रहा है, तो 8 साल कितना टाइम लग रहा है, 8 वर्ष, तो 8 वर्ष में जो समय धन हो रहा है वो डबल हो रहा है, तो ब्याज कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, ब्याज कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, तो 8 साल में ब्याज हमें कितनी मिली, 1 मिली, तो 4 गुना होने में, तो 4 गुना का मतलब क्या, तीन तीन ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है, टी की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8 साल में जब 1 मिला है, देखो 8 साल में 1 हो रही है बात, तो 3 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 24 लगेगा, 8 + 24, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो इसके क्वेश्चन है 2.5 माइनस, सरल करना बस, सिंपल है, 2.5 माइनस, ऊपर 1 है हमारा और अपॉन में है हमारा 325 माइनस, फिर अपॉन ये क्या है 2.5, अपॉन में है 0.75 प्लस 0.5, तो देखो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम लास्ट से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से सॉल्व करना, इसे शुरू करेंगे कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं यही सॉल्व करता जाता हूँ, तो इसको देखो जब ऐड करेंगे तो 0.75 और 0.50 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है, 0.125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा, ठीक है, 1.25, ठीक है, 125 हो जाएगा, 1.25, देखो जैसे सिंपल है, 0.75 और 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5, और ये हो जाएगा 7 और 5 12, तो 12 की 2 आंसर हो गई 1, तो ये हो जाएगा 1.25, तो देखो ये इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.25 लिख सकते हैं, और 1.25 का डिवाइड जब हम इसमें होगा, देखो यहीं ये सब पूरा हो रहा है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25, अब 1.25 का डिवाइड मैं अगर 2.5 में, मतलब कि 2.5 में करूंगा तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये वैल्यू किससे डिवाइड करने में 2 हो जाएगी, तो बस आधा क्वेश्चन मैंने यहीं सॉल्व कर दिया, वैल्यू क्या रहेगी 2.5 माइनस का, और यहाँ पर बचा रह गया 325 माइनस का, ये 2 बार गया तो 2 लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया, 2 बार गया तो 2 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें जो है पॉइंट नहीं लगाया, ये कुछ गलत टाइप हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर ये पॉइंट तो और था, एक सेकेंड में कलर कर से कर देता हूँ, हाँ यहाँ पर जो है ये पॉइंट है इस जगह पर, ठीक है, अब होगा ये सही क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, चलिए ये टाइपिंग मिस्टेक है और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा,
अब देखिए तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब क्या इसमें से जब हम इसे लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.25 आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 2.5 माइनस का 1 अपॉन में 1.25 आ गया। अब क्या है जब हम इनको एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक होगा तो एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.25 और इसका मल्टीपल इससे होगा 2.5 से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यहीं कर लीजिए इसको, ऐसे इतना लंबा मत करिए क्योंकि एलसीएम लेना आपके लिए पेचीदा हो जाएगा, आप इसको हटाइए। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से क्या जाएगा ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 2.5 माइनस का 100 अपॉन 1.25, ठीक है। अब देखिए इससे जब हम इसे काटेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.8 निकल के आएगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको यहाँ कर देता हूँ 2.5 माइनस का 0.8, इसमें से जब इसे लेस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1.7 निकल के आएगा, तो 1.70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सिंपल है, बस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार और देख लेना। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो ये भिन्न है, क्या है 2/3 और 3/4। अब देखो भिन्नों का अगर हमें एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का अगर हमें एलसीएम निकालना तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर के अंक होते हैं उन्हें बोलते हैं अंश, ठीक है, अंश बोलते हैं। तो जो ऊपर के अंग जैसे 2 और 3 तो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो क्या रहता है अंशों का एलसीएम बटे हारों का एचसीएफ, ये एलसीएम निकालने को। और अगर एचसीएफ की बात करें तो उस ऊपर बस क्या जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ पलट जाता है, नीचे क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। फिर उस कंडीशन में अगर एचसीएफ की बात कर रहा है, भिन्नों के लिए बात कर रहा हूं मैं, अंशों का एचसीएफ बटे हारों का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम की बात हो रही है तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो हमारा ऊपर तो आ जाएगा 6। अब नीचे एचसीएफ की बात करा तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो 1 का डिवाइड 6 में देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी कि आयु का जो रेशियो है वो 6 और 5 के अनुपात में है, उनकी आयु का योग है 44 वर्ष है, ठीक है। आयु कितना योग दे रखा है, 44 वर्ष दे रखा है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ खास ही नहीं है, वो कह रहा है दोनों आयु का अनुपात दे रहा है 6 और 5, तो 6 और 5 मिला के कितना हो गया 6 प्लस 5 मिला के कितना हो गया 11, 11 टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग। पर ये जो टोटल वैल्यू है ये कितने बराबर है, 44 के बराबर, कितने बराबर है 44 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो गया 4 के, एक बराबर कितना हो गया 4 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो उनकी आयु जो हो गई 24 और 20 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 इसमें ऐड कर दीजिए, बस सिंपल है, वर्तमान की आयु तो 24 और 20 हो गई, 8 इसमें ऐड कर दीजिए, 24 में हम 8 जोड़ते तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता हमारे पास 32, और 20 में हम 8 जोड़ते तो ये कितना हो जाता है 28, तो 32 और 28 हो जाता है। अब क्या है इनका रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालने के लिए सेम वैल्यू से इसमें डिवाइड कर देंगे, काटना है ना, तो ये 7 से कटनी 4 से कटनी, 4 8 32 और 4 7 28, ठीक है, 4 7 28, तो 8 और 7 का रेशियो आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी भिन्न के अंश में की 20% कम कर दिया जाए और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, तो भिन्न का मान है, ठीक है, जो वैल्यू है वो एक्स मतलब भिन्न क्या हो गई, तो हमने यहाँ पे भिन्न मान ली एक्स अपॉन वाई, कितनी मान ली एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अंश जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें क्या है 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है तो वैल्यू रह गई मात्र 80%, कितनी रह गई 80% रह गई, ठीक है 80%, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको 10% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 पे देखो 100% वैल्यू होती है, ठीक है, हमेशा अगर वो कह रहे 20% कम तो हमने 100 पे 20 कर दिया कम, तो 80 रह गया। वो कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया है तो 100 पे हम 10% बढ़ा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 110%, इसका जो मान दे रखा है वो 16/55 दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है,
सिंपल है। अब बस कर लीजिए इसे सॉल्व, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, परसेंट से परसेंट काट दिया मैंने, ठीक है, जीरो से जीरो काट दिया, ठीक है। अब देखिए 8 से इधर वाला ये 16 कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 कट जाएगा, और 11 से ये 5 बार कट जाएगा, 11 पंजे 55, तो देखो कुछ नहीं बचा हमारे पास, 2/5 बचा रहेगा। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2/5। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, 2/5 ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि -3 अपॉन में है √3 माइनस का 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात ये होती है कि किस संख्या से इसका मल्टीपल करें कि जो वैल्यू आए वो 1 आ जाए, ठीक है, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम किस संख्या से इसमें मल्टीपल करें तो वही वैल्यू आ जाए, सॉरी 1 वैल्यू आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, -3 अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, √3 माइनस का √2, ये क्वेश्चन में दे रखा था। इसमें हम किससे मल्टीपल करें, तो हमने मान लिया एक्स से मल्टीपल करें तो ये वैल्यू आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। अब क्या है, जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये पलट के उस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगी ये संख्या, ठीक है। तो ये पलट के क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास √3 माइनस का √2, और अपॉन में नीचे क्या जाएगा, -3, सॉरी -3। अब देखिए ये तो आंसर है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर दे रखा है √3 माइनस का 2, इसका हम कंजुगेट मतलब कि संयुग्मी ले करके और ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, तो हमने किया √3 माइनस सॉरी प्लस का √2, और अपॉन में आ जाएगा √3 प्लस का √2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 3, और आ जाएगा √3 प्लस का √2। अब देखिए ऊपर वैल्यू क्या रह गई, ऊपर वैल्यू रह गई हमारे पास केवल 1, 3 में से 2 गए तो 1 बचा रह गया, माइनस हमारा लगा हुआ तो माइनस को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे क्या बचा रह गया, 3 √3 माइनस का 2, ठीक है, कैसे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा कॉमन चला जाएगा, क्या चला जाएगा, हमारा कॉमन चला जाएगा, माइनस का हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि हम इसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास √2। अब क्या है समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम इसके माइनस का मल्टीपल करते तो ये वैल्यू यहाँ पर ये हो जाती, क्या हो जाती, ये साइन चेंज हो जाती है, एक सेकंड में लिख देता हूँ, साइन चेंज हो जाती है आपके, देखिए कैसे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखो माइनस का 3 हो जाता तो ये वैल्यू हो जाती माइनस का 3, ये तो √3 हो जाता, तो 3 हो जाता आपका, ब्रैकेट के बाहर है, और ये अंदर वाला जो है हमारा प्लस का 2, ये वाला प्लस का 2, तो ये भी माइनस का हो जाता, तो हमारे पास वैल्यू देखो माइनस में इधर भेज देता हूँ तो क्या बचती रह जाती, √3, 3 तो आगे था ही, ठीक है, √3 माइनस का √2 बचा रह जाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट जा रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार देख लेना समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी एडी क्या है, पैरेलल है, क्या दे रखा है, पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है, सॉरी लंबवत है, किसके, बीसी के, बीसी के लंबवत है, तो इनमें से कौन सा मान हमारा सही होगा वो हमें देखना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। चलिए देखते हैं, देखिए ये ट्राइंगल मैंने बना दिया है, तो देखो ट्राइंगल क्या है, ये एबीसी है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना रखा था, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में एबीसी, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर देखो ये एबी, देखो क्या होगा, ये हमारा होगा एबी बराबर है बीसी के, बराबर है सी ए के, ये होगा आपस में, ठीक है। अब बात क्या है, एक चीज तो ये होगी और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि बी डी बराबर किसके होगा, डी सी के, डी सी के होगा, ठीक है, इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज बन गए हमारे, क्या बन गए, समकोण त्रिभुज बन गए, तो समकोण त्रिभुज से हम क्या करेंगे कि किसको ले ले रहे हैं हम, देखो दोनों को किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने क्या किया कि ए बी का स्क्वायर, हम देखो इधर की बात कर रहे हैं कि मतलब कि ट्राइंगल ए बी और डी इसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी, ए डी क्या है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बी डी किसके बराबर है,
बीडी अगर हम देखा जाए तो पूरी जो वैल्यू है बीसी उसका हाफ है, तो हाफ बीसी लिख सकते हैं हम बीडी को, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आगे हम लोग करते हैं, एडी का स्क्वायर प्लस हाफ 1/2 बीसी, बीसी का होल स्क्वायर, हाफ बीसी का होल स्क्वायर, पूरे का है हाफ बीसी का होल स्क्वायर। अब क्या है, अब देखो एबी का स्क्वायर तो चला ही आ ही रहा है, ठीक है। तो बी एडी बराबर एडी का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि हमारे जो आंसर दे रखे हैं वो एडी की टर्म्स में है और एबी की टर्म्स में, तो हमें एबी और एडी की टर्म्स में हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एबी एबी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो एबी का तो होल स्क्वायर चला ही आ रहा है, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर माइनस, अब हम किसको इधर भेज देंगे, हमें ए डी की टर्म्स में आंसर चाहिए तो बराबर के इधर ए डी चाहिए, तो हम बी सी वाले को भेज देंगे। तो देखो 1/2 अब बी सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/4 बी सी का होल स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी और बराबर किसके हो जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि बी सी है और हमारा क्या है ए बी है, तो देखो बी सी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो हम ए बी की जगह बी सी की जगह ए बी रख सकते हैं और ए बी की जगह बी सी रख सकते हैं, तो हम ए बी रख देंगे इसकी जगह पर, ठीक है। तो देखिए ए बी का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर, देखो मैं यहाँ सॉल्व करूंगा आप इसे, ठीक है। अब देखिए तो ए बी के होल स्क्वायर में से 1/4 ए बी का होल स्क्वायर लेस करेंगे तो क्या बचा रह जाएगा हमारे पास, 1/3 बचा रह जाएगा, क्या बचा रहेगा, 1/3 बचा रहे, नहीं मतलब एक चौथाई को 3/4 बचा रह जाएगा, क्या बचा रहेगा, 3/4 बचा रह जाएगा, तो ये बचा रहेगा 3/4 ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 उधर चला जाएगा, तो 3 ए बी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए डी का होल स्क्वायर, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो 3 ए बी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए डी का होल स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। एक बार और देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये पैटर्न दे रखा है कि 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 2, 1, 1 × 1 = 1, 2, 3, 2, 1, तो ये पैटर्न है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक करके पढ़ाऊँ, वैसे 1, 11 और 111 भी पढ़ सकता हूँ, पर एक एक करके तो पढ़ाऊँ, पैटर्न दे रखा है। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि जितने अंक होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 ही बार गया, 1 × 1, यहाँ पर 2 अंक हो गए, 1 × 1 के 2 अंक हो गए, तो हमारा कितना हो गया, 1, 2, फिर 1 आ गया, मतलब पहले जितने अंक है उतने तक तो बढ़ाएंगे फिर घटाया, जैसे कि यहाँ पर 3 अंक हैं तो 1, 2, 3, 3 अंक तक बढ़ा फिर घट गया उसी के समय, 2, 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसका मान हमें निकालना है, तो कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है, तो 5 तक तो बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखो एक पहले ऑप्शन में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है, जितने अंक हैं एक एक के उतने तक तो बढ़ाएंगे फिर उसके बाद घटेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, गणित की प्रकृति है, ऑप्शन है सजावटी, तार्किक, कठिनता या सामान्य के लिए नहीं, सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो गणित की प्रकृति जो होती है तार्किक होती है, रीजनिंग टाइप से होती है, ठीक है, तर्क करते हैं हम इसमें कि कैसे आया, क्यों आया, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, किससे प्रारंभ कर सकता है, ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, मतलब भिन्नों की परिचित कराने के लिए, भिन्नों की बात चल रही है तो कैसे कर सकता है, भिन्नों के अंश और हरों को पहचान कराकर करा सकता है भिन्न की संकल्पना, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर तथा जहां b = 0 नहीं, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भावों को पहचान कराकर, ये ज्यादा सही है, तो बी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आसपास की चीजों से अगर वो टीचर पढ़ाएगा, भिन्नों को समझाएगा, तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा और जल्दी समझ जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई बिस्किट है, बिस्किट दिखाकर उसके क्या नाम है, बिस्किट के बीच में से 2 टुकड़े कर दे तो 1/2 हो जाएगा, बिस्किट के 4 टुकड़े बराबर कर दिए तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4, इस तरह से समझा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्ग का परिमाप, परिमाप दे रखा है वर्ग का, कितना दे रखा है 4a प्लस का 8, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो उसका हमारा क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा वर्ग मैं यहाँ बना देता हूँ, आप समझ जाएंगे, इस तरह से वर्ग है हमारा, तो वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती, तो वर्ग की भुजाएं जो चारों बराबर होती है। अब देखिए, अगर मैं इसकी एक भुजा x मानना हूं, तो इसकी चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 4x हो जाएगी, और 4x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कितनी दे रखी है, 4a प्लस का 8 दे रखी है, ठीक है, 4a प्लस का 8 दे रखी है, एक भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतना दे रखा है। अब जरा गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 4, तो हमारे पास बचा रह जाएगा a अपॉन a प्लस 2 बचा रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4x है, तो 4 से 4 कट गया, तो x मतलब कि एक भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 2 आ जाएगी, भुजा कितनी है उसकी, वर्ग की a प्लस 2 है। अब उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल निकालना, तो उसके पास क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा गुणा भुजा करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये वर्ग था, ये वर्ग था इस तरह से, तो इसकी एक भुजा जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, a प्लस 2 निकल के आई है, और ये भुजा भी a प्लस 2 ही होगी क्योंकि चारों भुजाएं एक जैसी होती है। क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों भुजाओं का आपस में मल्टीपल कर देते हैं, तो क्षेत्रफल होगा हमारे पास a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 ab, ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी a डॉट 2, तो वैल्यू हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस a प्लस 4a, तो हमारा ए ऑप्शन सही जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लीजिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। मैंने आपको कंप्लीट, क्या नाम है, ईवीएस के कंप्लीट प्रीवियस ईयर यूपी टेट के मैंने कंप्लीट कर दी है, और क्या नाम है, अब ये मैथ का सेशन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या नाम है 5वां पेपर चल रहा है, 2015 का पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं सारे कंप्लीट जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक के वो मैं करा दूंगा, ठीक है, सारे पोर्शन के कराए जाएंगे आपको, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब केंद्र नहीं निकालता, कौन नहीं निकालता वो आपको बताना है। ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास, ठीक है। तो परास जो होता है वो केंद्र नहीं निकालता, ठीक है, बहुलक में क्या है, बहुलक भी निकालता है, माध्यिका भी निकालती है, माध्य भी निकालती है, पर परास जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गए क्योंकि तीसरी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, तो बस आपका धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।